झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कम आपूर्ति और अधिक मांग के कारण कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी है। M6 कॉटन का अप्रैल वायदा 40,000 के पार निकला है। उत्पादन में कमी की आशंका और निर्यात के लिए कच्चे कपास की अधिक मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें तेजी की ओर निकली हैं। मंडियों में कपास की आवकों में गिरावट आई है, जिसके चलते यह तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में कपास की आवकें गिरकर 75,000 गांठ हुई हैं। विदेशों में भी कॉटन की कीमतों में तेजी दर्ज हुई है। वहीं दूसरे अग्रिम अनुमान में सरकार ने पहले अनुमान के 362,00,000 गांठ से देश में कपास उत्पादन को घटाकर 340,00,000 गांठ कर दिया है। वहीं USDA के साप्ताहिक निर्यात बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि कपास शिपमेंट USDA के विपणन वर्ष के 96% पहुंचकर 371,400 गांठों तक पहुंच गया है, जो कि पिछले सप्ताह की तुलना में 5% अधिक है और पिछले 4 सप्ताह के औसत से 34% अधिक। उधर चीन की तरफ से अमेरिकी कॉटन की डिमांड निरंतर बनी हुई है। चीन हर साल कॉटन की फसल कम लगाता है, जिससे चीन को उसकी पूर्ति भी करनी होगी। वहीं भारत में होली के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कपास किसानों को मुआवजे के तौर पर 101 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं इस पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि कॉटन की कीमतों ने निचले स्तरों से यू टर्न लिया है। घरेलू मिलों से कॉटन की मांग निरंतर अच्छी बनी हुई है। CAI ने भी कॉटन के उत्पादन अनुमान में कटौती की है। चीन से कॉटन की मांग अच्छी बनी हुई है। कच्चे तेल में आई तेजी से पॉलिस्टर की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका सपोर्ट भी कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों को मिल रहा है। अजय केडिया ने मार्केट टाइम्स TV के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि कॉटन में कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है और 40,000 तक का स्तर भी देखने को मिल सकता है, जो कि MCX पर देखने को मिल चुका है। अजय केडिया के अनुसार कॉटन में अधिकतम 42,000 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।